की और शिवराज मामा की। क्यों लगता है कि अरे बहना को दे रहे हैं 3000 रुपए तो आएगी। कांग्रेस ने भी तो वचन किया है कि अरे नहीं वो बोलती है करती नहीं, उस पर विश्वास नहीं है। अभी तो उसकी सरकार बनी नहीं है। अरे बनेगी भी नहीं, क्यों नहीं बने? अरे बनेगी नहीं, उस पर विश्वास ही नहीं जनता को। क्या है क्या है कि कुछ गरीब लोगों का फायदा ऐसा हुआ है इसलिए सरकार पे भरोसा है। कांग्रेस आज 50 साल पहले हम राज कर रही थी खूब पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत पे एक भी रोड एक भी सही नहीं हुआ था और उसके कार्यकाल में एक भी आवास योजना नहीं मिली थी, और मिली भी थी तो कागजों पे मिलती थी, वही के वही रह जाती थी। आज कम से कम हर व्यक्ति को जिसके पास छत नहीं थी वो व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए शिवराज सिंह चौहान और मोदी सरकार ने दिए। हर गरीब आदमी के पास छत नहीं थी, आज छत हो गई है, और कुछ लोग बाकी थे उनकी छतें भी बन रही है। मतलब ऐसी योजना दी है, और अस्पतालों में भी सुविधा इतनी खतरनाक व्यवस्था हो गई है कि आदमी परेशान नहीं होता है। 108 नंबर की गाड़ी हमेशा खड़ी रहती है, जहाँ से फोन करो वह गाड़ी पहुँचती है। ये हमारे शिवराज सिंह और मोदी सिंह की देन है, और वाकई में हम हमारे आप में गर्व महसूस करते हैं कि ऐसे कार्यकाल में हम भी काम कर रहे हैं और हिंदुस्तान के बेटे है ना। किसानों का कहना है कि उनका भी कर्जा माफ हो, रोजगार 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 हर आदमी के लिए रोजगार भी बढ़ा रहे, कई रोड भी बन रहे हैं, आदमी को कैसे भी रोजगार मिल रहे है ना। हेलो क्या हुआ भैया? एमपी शासन भी अच्छा कर रहा है, केंद्र भी अच्छा कर रहा है। देखिए भैया ये गरीबों का जो फायदा करता है भाजपा शासन ही कर पा रहा है। कड़कनाथ तो अपने आप में कलंकनाथ बन चुका है, जो केवल वादे करता और भूल जाता है। प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, लाडली बहना, ऐसी कई सारी योजना है, युवाओं के लिए रोजगार की बात हुई है, ये केवल मोदी शासन में तय होया। हम पहले रोड बिजली और नाली की तरफ से थे, आज रोड बिजली नाली के जाल बिछे हुए यहाँ पर गाँव आते रोड बने हुए। आज ये बोलते भ्रष्टाचार की बात, अरे कम से कम काम तो हुए इसकी बात तो करो। आज कम से कम वहाँ से 2.5 लाख निकलता है आवास के लिए, यहाँ 2.5 लाख हितग्राही के खाते में पहुँचता है, वहाँ से फसल बीमा पहुँचता है, पूरा फसल बीमा पहुँचता है। पहले 1 रुपया निकलता था, यहाँ 15 पैसे पहुँचता था, आज कम से कम संपूर्ण जाति के भला हो रहा है और पूरा 100% पहुँचता है। सम्मान नहीं दिए, शौचालय है, बहुत सारी बातें रोजगार के लिए सब कुछ है, क्या नहीं दिया मोदी सरकार ने, क्या शिवराज शासन ने? 30 सीटों से जीत रही है बीजेपी। बीजेपी कम से कम 160+ MP होगी इतना है। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री आप किसे बनाना चाहोगे? शिवराज सिंह को। देखिए साहब 200-160 चेहरे मुख्यमंत्री पद के लायक होते हैं। भाजपा में कोई चेहरा ऐसा नहीं है कि यह मुख्यमंत्री, यह मुख्यमंत्री, यह मुख्यमंत्री। सरकार जिसी को भी बना है मुख्यमंत्री के पद के लिए कोई दिक्कत नहीं है। शिवराज सिंह जी हमारे लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, 2003 के बाद से आप देख रहे हैं प्रदेश कितने विकसित हुआ, रोड नाली बिजली सब कुछ मिली, क्या नहीं मिला हुआ है? 2003 के पहले क्या था? जो कुछ नहीं मिले, एक नारा था बिजली पानी सड़क दे ना सकी, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। आज आपके पास क्या नहीं है? बिजली भी है, पानी भी है, सड़क भी है, क्या नहीं है? सब कुछ है, शासन भी है कुछ, और उसके बाद रोजगार भी है। एक बार और भाजपा मतदान करना है हमको। कांग्रेस की सरकार का आरोप है कि वो किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। क्या नहीं किया हुआ है, क्या नहीं किया हुआ भैया? यहाँ पर मेरे किसानों के घर तक पहुँच चुकी है, और क्या नहीं किया हुआ है? पानी मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, मेरे पास 5 एकड़ जमीन है, फसल बीमा है, मेरे पास इतना कर्जा था, लेकिन अभी जो सरकार आई है जब से, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ मैं कर्जा मुक्त हो गया। मुझे कमलनाथ का कर्जा, पहले खाद के लिए लाइन लगती थी, आज खाद घर पहुँच रही है। भैया मेरा कर्जा मुक्त, मैंने मेहनत करके सबको लेन देन कर दिया, मेरे को कर्जा माफ। मोदी मोदी फिर से मोदी, मोदी 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 है तो हिंदू है, हिंदू है तो हिंदुस्तान है। मोदी साहब संगठन बहुत मजबूत है यहाँ पर, जो भाजपा का संगठन है ये जमीन पे काम करता है,
और हम कम से कम 160 प्लस होके जा रहे हैं यहाँ पर, ये तय है। खंडवा लोकसभा की पूरी आज के आज जीतेंगे हम, ये दावे के साथ आज कह रहे हैं। प्लस लोकसभा हम जीत रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विधानसभा टोटल जीतेंगे। भाजपा का आदमी कैंडिडेट नहीं देखता है, सिंबल देखता है, कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है और उसको जिताएंगे। जय हिंद, भूल जय भारत, सिर्फ कमल का फूल, भारत माता की। आत्मा राम जी पटेल हमारे कसरा विधानसभा सचिन यादव को कम से कम 30 से 40 हजार वोटों से हरा रहे हैं। 40 हजार वोटों से हम जीतेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार लाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद आत्मा राम दादा, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी है तो हिंदू है, हिंदू है तो हिंदुस्तान है। जय जय सियाराम, जय सियाराम। पंधाना में छाया मोर 20 हजार वोट से जीतेगी। भारत माता की जय। जय सियाराम, जय सियाराम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।